पब्लिक हट जाई रोप रोपा एक मिनट फिर एक गीत होई दो मिनट बर्दाश्त कर दो मिनट मात्र दो मिनट राष्ट्रीय गीत का हतन सुनी भारत के प्रधानमंत्री बहुत हुए लेकिन जो नरेंद्र मोदी करके दिखा दिए आज तक उसका कोई जवाब नहीं है ना। मिलाकर देख ली अभी ये काम करी है जो गनवा बजनवा बिगाड़ दिया ऐसे बढ़िया बजा आप लोग चल जाइए बैठिए तो स्थिर से बैठिए उसे पब्लिक तो हरे ऊपर होगा तो हम लोग क्या हमने के कोई गिनती है आओ ए गुड़ी गुड़ी जब उरी कांड में हमारे भारत के वीर जवान को बुरी तरह हत्या कर दी गई सोए हुए दिन अधरात्रि में ढूक कर मारा है दुष्ट पाकिस्तानी ने तो हमारे हिंदुस्तान के जवान कहता है अरे पाकिस्तानी अरे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी कैसे तुम आया है अच्छा चमगादड़ के औलाद कहीं का सीमा पर चढ़ा आया है अरे बहु है पर भूचाल है मेरा नस में लहू उबाल है मेरा एक थप्पड़ का जान नहीं है बम क्या तुम खाओगे और रूस अमेरिका इंग्लैंड में जाकर साले बाप बाप चिल्लाओगे ये चीनी के बल पर तुम दौड़ते हो अरे हमारा तोहरा से कोनो मेल नहीं खे ऐसे चलोल कोनो खेल नहीं खे फुटर फुटर कैले बड़ा लेके फुट फुटी है ते भारत के हथियार कोनो फेल नहीं खे मारे लगो गोली तो बिल कर दे टावर सिंह अरे पाकिस्तानी मारे लगो गोली तो बिल कर दे भागल पेरवा तो पीछे से मोटका कील कर दे अरे टाइगर टाइगर दरास के सपना बेकार भरे बोका कहीं का टाइगर हिल पर चढ़े के पहले तरह गोबर के हिल कर दे कश्मीर की जमीन तारा खाप के ना हो एक एक इंच नापल बा बेनाप के नाप ना नाप ना हो भर गई बा भारत से लेना देना रे पाकिस्तानी मान जो कहे कि कश्मीर की जमीन तारा पाकिस्तान के बाप के ना हो एक ही जवाब मिलाई हिंदुस्तान के जवान कहते हैं वीर बढ़ा था बुझा तो लगे बोले बोले या ना तो बोलो अरे बेटा तो हर छोड़ो ना ही जनवा बोले अरे जरा पाकिस्तानी तेरे औकात क्या है रे अगर पूरा हिंदुस्तान के लोग जाके पाकिस्तान में पेशाब कर देगा तेरा पाकिस्तान बह जाएगा जितना तेरी पाकिस्तान की आबादी है उतने हमारे फौजियों की हाथ की परसादी है जितना तेरे पाकिस्तान में अन्न होता है उतने तो हिंदुस्तान के लोग प्रत्येक दिन खैनी खा करके थूक दिया करते हैं आए हो लड़ने के लिए परमाणु फेंक देंगे परमाणु फेंक देंगे परमाणु फेंक देंगे तू परमाणु फेंक देगा तो हिंदुस्तान के लोग कितना मरेंगे 5 लाख 10 लाख 20 लाख क्या होगा अरबों खरबों की आबादी में क्या होगा कुछ नहीं आज यदि हम अपना परमाणु फेंक दिए तब पूरा पाकिस्तान सफा चाचा ठाकुर की हो भूंड हो गए हो कुछ है आवाज है ये नहीं है तो व्यासगिरी की पाकिस्तान
लगेला से आवाज निकल जीता है। अठारह तारीख रहे, 18 जवान को उसने पापियों ने मारा, मेरे भारत के जवानों को। नरेंद्र मोदी जी के सहायता से 18 का बदला 38 को मार गिराया। 18 तारीख रहे, 18 को सही थी। वहां नवाज शरीफ भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुशी मना रहा था। 18 तारीख रहे, 18 को शहीद हो, हम मनाई शोक और मनावत रहे ईद हो। अरे पागल, अरे धोखाबाज, अरे पत्ते चुन चुन कर ताजमहल नहीं बनाया जाता, अरे पत्ते को चुन कर ताजमहल नहीं बनाया जाता, नदियां रोक कर समुद्र नहीं बनाया जाता। अगर मर्द की जवान है तो सामना सामने लड़के देख ले, धोखा से मार देने वाले कोई सिकंदर नहीं बन जाता। माँ का दूध पिया है तो सामने सामने आके लड़के देख। जादव जी का ताल है, आओ चढ़ के हुमाच देवनु के बिग दे बबहर पतरे टकले पहलवान कट है, ये पहलवान कट है जादव जी के, मौगा कट नहीं है। जे गर्दन पर कम का बाल रहला ना, ओकर गर्दन मोट रहला, आ तू देख पेट तोर कैसन हो गेल हो। मुझे तो गाभिन को दही ना चाहती है। लगा था कि दुकान हलवाई के दुकान पर बैठे वाला। अच्छा इसे कोई कनो ब्यास के देखे। ये देह में अपने फुर्ती नहीं हो, क्या दिखाएगा दूसरे को? आई ने मोल लगा। अरे खोलो लाकर खुनावा देखो। इतना हुमच के बोल देबा ना, ऊपर से ललका बिग देते हो और पीछे से पियर का बिग देते हो। ये झारखंड के पहाड़ी देश के है, यो एकदम प्योर देसी गाय के दूध। देसी गाय के दूध पीवो ना तो देखो ओकर बोली कैसन रहे। मां देसी ला के आवाज, तू पी ले बड़ा जर्सी के, ओकर बछड़ू अलगे बांध देबो तो जर्सी गाय चिल्लाएगी। वैसी तोरा आवाज हो गल, आवाज निकलते नहीं। क्या चैता गवा गल, शिव शंकर जी से हाथ मिलावे। नमस्कार, कोई भी फंक्शन में इन्हीं को बुलाइएगा। कि खोल लगा खुनावा देखो, अरे भारत के जवान बोले संदे माता नरेंद्र मोदी का की। उस समय लालू जी भी इनको सपोर्ट किए थे। नरेंद्र मोदी जी लालू जी नहीं कहते थे, सोनिया मोदी जी हम और आप घर की लड़ाई है, मारो पाकिस्तानियों को खेत खेत के, बम बारूद भेजाइए, घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी बोले आप चिल्लाइए मत, हम चुपे चाप सब काम कर देंगे। का कोई नहीं, मोदी जी लिहल गुप्ता योजना बनाई, सेना के पर एकदम जो कैप्टन रहता उससे मिले। मोदी जी लिहल गुप्ता योजना बनाई, अब बम बारूद दिहले, अरे सीमा पर भेजा। Oh, God, I'm gonna get you out of my life.
रामदेव भैया जोरे जोरे रही है, तोहर पैसा हम ना ले, तोहर पैसा लेबे ना करो। ये तो दू गोला के माध्यम से बोले, हमने दोनों तो मिल ले ही है। अभी तोरा नहीं आना चाहिए, कमे में बिगाड़ दिल तू। तैयो अभी मूड शांत नहीं हुआ है, अभी स्टेज है, अभी दुइये सो है, अभी क्रोध छे होने तक है। 1000 तारा मिलल बा, वो भी नजर मेरे ऊपर है। ठीक भैया, हमार छोट भाई अवे दुगोला के माध्यम से कह देते हैं, बड़ा प्यार रहला हमारा बीबी के भौजी कहते हैं। भौजी ऐसा काहेला भौजी कहते हैं कि हम छोट हैं, हमर ना 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 हमर मौगी को भवह मानेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हमर बीबी तोहर भौजाई है, ठीक है, लेकिन तोहरो बीबी हमर भवह लगती है। कब जब आपसे शादी हो गई ओकर पहले के लगन थी, छोटकी साली लगती थी। चलो चलो ठीक बात, बुढ़ा भाई के तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार मिलल, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बा। कि काल बन के घर चलागल, काल बन के घर चलागल, और भारत के जवान बोले वंदे मातरम, बोले वंदे मातरम, बेटा छोड़ नहीं चलवा। भाई बड़ी टेक्निक लगाए थे कि देरी तक गाएंगे बस समूचा पब्लिक भाग जाएगा, लेकिन प्रेमी है वो, शिव शंकर यादव के प्रेमी है। चॉकलेट बम आई एगो दहेज वाला, बस 2 मिनट दहेज प्रथा पर ऐसे ही शांति बनोले रखे। आगे बढ़ाए के भैया जी धर्मदेव बाबू, सानी जी बाद में करिए, ती लग दहेज के लिए आप पेशाब नहीं रोक सकते। धर्मदेव भैया एनियो तनी गौर फरमाई, खाली नचनिए के फेर में ना, जिनका घर में भैया जी एक से दो और दो से अगर बेसी संख्या जो बढ़े लगल बेटी के, तो माई बाप के बुझाला जे अब हम इस दुनिया में कैसे जियब। इतना नो तिलक के दहेज के प्रथा बढ़े गई बा, 5, 6, 7 की संख्या में जो बढ़े जाला बाबूजी, रोवे के ना चाहिए। हर गरीब एक ही बेटी खाती ना रोवे, रोवे लगे अब हमार बेटी के उधार हो तो कैसे हो, पेट भरे के अन्न नहीं खे, अतिलक दहेज के आ गए बढ़े गई बा, आई समाज में हमारी इज्जत बची तो बची। जबकि सोचे के चाहिए बेटा के जन्म लेला पर लोग थारी बजाते हैं, सोहर गवाते हैं, और बेटी के जन्म लेला पर लोग शोक मनाते हैं। जबकि बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन बेटी दो कुल को तारती है। भैया जी दो कुल को, पिता के घर खानदान को और अपने ससुर के खानदान को। लेकिन गरीब माता पिता रो रो के कहते हैं क्या, आगिनी अंधा धकाता, आगिनी अंधा धकाता, तिलक दहेजा बा, कैसे बाची इज्जत विधिना, फाटता करे। ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं मुंबई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MRCR वेंकमोहन गप्पा। हाथ ला
माता पिता गरीब, माई बाप रोवे ले कहे ले का। पैसा न कौड़ी घर में बेटी भैली सियानी, बेटा वाल मूछ ऐठे कोले से न पैसा न कौड़ी घर में बेटी भैली सियानी, बेटा वाल मूछ ऐठे बोले सी न कितने माँ बाप तो लोग सोचते सोचते दिल का मरीज हो जाते हैं, हार्ट का शिकायत हो जाता है, अब क्या होगा, छे छे लड़की हो गई। सोचता सोचता भाईनी दिल के मरी जावा, कैसे बाची इज्जत विधि हटता करे बुझाला जे भैया जी कमा के ओकरा यहां रख देले बा फरमावेला। लड़की के बाप हाथ जोड़ के जब खड़ा होते हैं कि भैया जी कुछ बोली का लीजिएगा कुछ तनी मुंह खोली, तो लड़का के बाप का फरियावेला सुनी, नगद 5 लाख चाहिए हीरो होंडा गाड़ी, लड़का पढ़ल होखे चाहे आन पढ़िया ना, बुझा तक और बाबूजी कमा के रख दे बड़े फरियावत, नगद 5 लाख चाहे हीरो होंडा गाड़ी, लड़का पढ़ल होखे चाहे आन पढ़िया ना। होता है कि नहीं भैया, झील अंग्रेजी जैसे कितना तो अगुआ लोग लड़की के बाबूजी के लेके जाई हैं तो नीचे उतरना नहीं चाहता है, तीन तल्ला पर से अगुआ से पूछता है पहले ये पूछो कि मालदार पार्टी है कि नहीं, 5 लाख देगा तब वो नीचे उतरेगा, हीरो होंडा गाड़ी देगा तो बात करेंगे, एक तोला सोना देगा तो बात करेंगे। जैसी 5 लाख बोले ला लड़की के बाबूजी के करे जा, 5 लाख नगद चाहिए हीरो होंडा गाड़ी, लड़का पढ़ल होखे चाहे अनपढ़िया ना। अंग्रेजी बतियाता है वो, बोले अंग्रेजी जैसे, बोले अंग्रेजी जैसे, बोले अंग्रेजावा। माई बाबू रोवे ले कि कैसे बाची जत विधि ना हटता करे, माई बाप क्या सोचते हैं लड़की के बाप, जिनको 5 गो 6 गो लड़की होगी भैया जी, जिनके घर में बेटी जन्म ली होगी, वो भैया जी की बात गड़ी एकदम दिल में, खेती न बाड़ी घर में न धन दौलतिया। आए वो समाज के अंडाबर कैसन बा, जेकर बेटी जवान हो जाला ओकर गांव घर में चलल मुश्किल हो जाला,
झूठऊ कहिए फलना के लड़किया जवान हो गई हो कोई आवे तो ना ही देखे उठे का लगे कुछ गड़बड़ है। दूसर गांव के से पहले अपने गांव वाला लोग इज्जत उतारना लगता वही माँ बाप रोते कहते हैं घर में न खेती बाड़ी न धन दौलतिया कैसे सब बीचे हमार बची है इज्जतिया दुनिया के रीत देखी पागल बामी जा जावा कैसे बाची इज्जत बिधिना फाटता करे लास्ट अंतर बेटा वाला बनी गईले अधमों का साई गाय भैंसी जैसन करे बेटा के बेटा वाला बनी रे गईले कठोरों का साई गाय भैंसी जैसन करे बेटा के मुलाई भैया जी हमने के गीत दोनों भाई के सुनला पर एको आदमी अगर संभर जाइएगा तो हम लोग जानेंगे मेरा गाया गाना बजाना सफल हुआ। कहे राधा कृष्ण करो पूरे पलामू जिला के उस्ताद कहलाते हैं राधा कृष्ण यादव जी। पूरे पलामू के जितने भी गायक हैं सब उनको गुरु के स्थान दिए हैं पलामू जिला के गुरु माने जाते हैं। कहे राधा कृष्ण करो दहेज के परहेजावा कैसे बाची इज्जत बिधिना फाटता करे एकरा में यदि कहीं चूक भइल होई क्षमा करो बूढ़ा भाई हमारे छोट भाई है कुछ कहा गोल बाबू का से तो माफ कर दी हमारा तरफ से तो उनका माफी माफी बा चलिए कुछ अगर कही होती है तो उसको दुख मत मानो गलत के बोला गाड़ी के देला कमजोर आदमी बरियार आदमी तोहरा गाड़ी ना दी मार के मुंह आती मानते कि नहीं बरियार आदमी के गाड़ी देबो तो तोहरा पूछे ना पटक के हुक दी आ कमजोर आदमी के मार भ आगे बढ़ जी बता आइए माय के दूध पी लेते हमर टोला मा लमा जी आन धुन गाड़ी थी ए बूढ़ा भाई ठीक बा उनका तो दिक्कत हो रहल बा कितना धूप हो रहल बा ठीक बा चली भैया जी कुछ त्रुटि भइल होई क्षमा करब क्षमा कहिनी केना से बोले हाथ तनी उठा दी हाथ उठा दी तब हमने के समझ जा ठीक बा दोनों भाई के क्षमा बाना ठीक बा ये ऐसे गार्जियन होवे के चाहिए बड़ के क्षमा शोभता है आ छोट के बदमाशी कई शोभता है तो हमरा से छोटे बूढ़ा जी कुछ कहियो दिए तो कोई बात नहीं 200 रुपया दे के अपन पाप छुटवा लिए चली तो का कहे के बा अरे उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो गाड़ी आने वाली है सत्य नाम का टिकट कटा लो घंटी होने वाली। एक आदमी ट्रेन में बैठा रहे एगो सीधा साधा आदमी रहे तो बोगिया में लिखल रहे कि बिना टिकट के यात्री होशियार तो दूसर का कहता देखा का लिखल का तो सीधे का रहे तो कहता का लिखल बा पढ़ ना तो लिखल बा कि बिना टिकट के यात्री होशियार कल तो हमने दोनों बुड़बक बन गए यार टिकट कटा लिए तो हम लोग मूर्ख हो गए बिना टिकटे वाला आदमी होशियार कहलाता है।
धन के तीन गति होला। ठीक बोल रहे बूढ़ा भाई, धन के तीन गति, दान कीजिए नहीं तो उस दौलत का भोग कीजिए नहीं तो वो नाश हो जाएगा। क्या है? अरे जो जन्म देने वाली माता है, 9 महीना जो गर्भ में अपने पेट के अंदर रखी है, वो जब आपको और हमको दुनिया छोड़कर चली गई तो दुनिया वालों पर क्या भरोसा करते हैं? कोई किसी की नारी कहां तक साथ देगी? भाई बंधु कहां तक जाएंगे? नारी रोएगी कब तक? मांग धोकर मकान तक, कुल खानदान के लोग साथ चलेंगे कहां तक? घाट श्मशान तक। आपका बेटा संतान भी साथ निभाएगा तो कहां तक? सिर्फ मुंह में अग्निदान। इसके बाद अकेला सफर करना पड़ेगा। तीन गति है संसार का। रोते हुए इस दुनिया में मनुष्य जन्म लेता है, एक दूसरे का शिकायत करते इस जग में जीता है, और लास्ट में पछताते हुए इस दुनिया से चला जाता है। ये धर्मशाला है, एगो आवेला तो एगो जाला, ये धर्मशाला हो। अपना मत बुझना, बुझोगे तो दुख पाओगे। संसार को जो अपना समझता है वही दुख का कारण बनता है। इसलिए हरि का नाम जपो का। अरे करके सिंहार ससुर जहां हम लोग अभी हैं, इसका नाम नैहर है। नैहर का मतलब क्या है? जहां रहना नहीं है, ससुराल जाना है, वो बलमुआ के पास। करके सिंहार ससुर रर गई निगाना, मटिए के सैया जी, अरे मटिए के सैया जी, दिखा दे ले खिलावा। मटिए के हाथ गो मटिए के लहांगा, मटिए के बेचे माटी खरीद ले और बात। मटिया के मोल तू भकोल मुझ न पवलू, मटिया के मोल तू भकोल मुझ न पवलू, माटी के मोल तू भकोल मुझ न पवलो, आ उल्टा सीधा गाना गवलो भजन बिहाना बिहाना भैले तोता हो, अरे सीता राम भोला शिव के मंदिर आवा में भीड़ा भैया मंदिरावा मंदिरावा भीड़ा भैया इधर झारखंड में तो नहीं देखे हैं, लेकिन गंगा जी में जहां हमारे बूढ़ा भाई के गांव बा, बक्सर के किनारे गंगा जी के किनारे पंजगर गांव बा, साधु संत लोग 4 बजे भोरे से डुबकी मारना शुरू कर देते हैं। साधु संत लगावत हुई है
साधु संत लगावत हुए हैं गंगा जी में गोता हो सीता राम से आनंद कंद भगवान की यहाँ की धरती मैया की बूढ़ा व्यास गवैया की पूरे स्रोत समाज की।